हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यम्मी बिल्कुल ढाबा स्टाइल आलू पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम ढेर सारी स्टफिंग के साथ बनाएंगे और बहुत ही जल्दी ये पराठा बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सारे पराठे हमारे फूले फूले बनकर तैयार होंगे और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आलू पराठा बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा। वेट में देखा जाए तो 300 ग्राम के लगभग में आटा है और यह 3 से 4 लोगों के लिए सफिशेंट होगा। तो इसको हम छान लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वादानुसार। तो मैंने यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच नमक लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच के लगभग में अजवाइन। तो अजवाइन को हल्का सा इस तरह से क्रश करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब हम अजवाइन और नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हल्का सा सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। जैसे हम रोटी का डो लगाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनाना है, हल्का सा सख्त बनाएंगे रोटी के डो से। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाइए और हल्का सा सख्त डो लगाकर तैयार कर लीजिए। और अब देख सकते हैं मैंने डो लगाकर तैयार कर लिया है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, रोटी के डो से हल्का सा सख्त है। और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको लचीला बनाएंगे। इसको 1-2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद हम इसको ढक कर करीब 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक आटा हमारा सेट होगा। इतने में हम आलू पराठा के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और इसको भी आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे आटा हमारा थोड़ा सा चिकना हो जाएगा और जब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे तो आटा हमारा ऊपर से ड्राई नहीं होगा। तो ये देखिए, घी को मैंने आटे के साथ मिक्स कर दिया और हम इसको ढक देते हैं और ढक कर 15 मिनट छोड़ देंगे। तो आलू पराठा का स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम के लगभग में उबला हुआ आलू लिया है। तो मैंने सारे आलू को तोड़ लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज़ का बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 3-4 कटी हुई हरी मिर्ची। मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही हरा धनिया डालेंगे हम 1/2 कप के लगभग में बारीक चॉप किया हुआ। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर। 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्ची का पाउडर। लाल मिर्च आप यहाँ ध्यान से डालें क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। 1/2 छोटी चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है और 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे अमचूर का पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर नींबू का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। इसके बाद हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू को मैश करते हुए। ये देखिए, इस तरीके से आलू को क्रश करते हुए हम स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये आलू पराठा के लिए स्टफिंग तैयार है। तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं और आटा को चेक कर लेते हैं। तो आटा को भी रखे हुए करीब 15 मिनट हो गए हैं और अब देख सकते हैं आटा काफ़ी लचीला हो गया है। तो हम इसको 1-2 बार करके इस तरीके से मिला लेंगे और इसके बाद इसमें से जिस साइज का आपको पराठे चाहिए उस साइज के लोइयों को तोड़ लीजिए, उसको अपने हाथों से अच्छे से सीखना कर लीजिए। और इसके बाद इसे सूखा आटा से डस्ट करके इसे हम इस तरीके से बॉल शेप में बनाएंगे ताकि इसमें हम स्टफिंग डाल सकें। ये देखिए, इस तरीके से बना लीजिए अच्छे से प्रेस करते हुए। इसके बाद हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। अच्छे से स्टफिंग डालना है, जितना ज़्यादा आप इसमें स्टफिंग डालेंगे आपका पराठा उतने ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। इसमें हम 2 से 3 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। इसको इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे ताकि स्टफिंग अच्छे से सेट होता जाए। ये देखिए, और स्टफिंग डालने के बाद चारों तरफ से हम इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको बीच से हल्का सा प्रेस करते जाएंगे और चारों तरफ से इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा बच जाएगा उसको निकाल देंगे और फिर से हम इसको इस तरीके से लोई का शेप दे देंगे। ये देखिए, और इसके बाद हम इसको फिर से आटे से डस्ट करेंगे और इसको हमें बेलना है। तो इसको हमें आराम आराम से बेलेंगे। ये देखिए, आराम आराम से बेलेंगे तो बिल्कुल भी कहीं से नहीं फटेगा। और इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग डाला है, तो इसको हल्का सा मोटा ही रखेंगे। अब देख सकते हैं मैंने एक पराठा बेलकर तैयार कर लिया है और ये पराठा साइड से नहीं फटा, ऊपर से स्टफिंग दिख रही है। ये देखिए, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं किया मैंने। तो अब हम चलते हैं इसको सेकने के प्रोसेस में। तो इसको सेकने के लिए हम सावधानी से इसको इस तरीके से उठाएंगे दोनों हाथ में और इसके बाद हम इसको गर्म तवे पर डालेंगे और इसे हमें मीडियम हीट पर अच्छे से सेकना है। जैसे हम पराठा को सेकते हैं, पहले हम 1-2 मिनट तक एक साइड से सेकने देंगे। इसके बाद हम इसको पलट देंगे जब एक तरफ से सेक जाए। ये देखिए, और दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से कुक होने देंगे। और जब दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए इसके बाद हम इसके ऊपर घी डाल देंगे और घी डालकर हम इसको अच्छे से दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। और आप देख सकते हैं जैसे ही आप पराठा को पलटेंगे वैसे ही आपका पराठा फूल जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा से फूल गया है। दूसरे साइड से भी घी डाल देंगे। मैंने इसमें घी ज़्यादा यूज किया है। यदि आप घी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप घी को कम कर सकते हैं। ये देखिए पराठा कैसे फूल गया है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार हुआ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है।
सेम तरीके से एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगी रेसिपी आपको। ये देखिए कितना अच्छा फूला फूला ये पराठा बनकर तैयार हुआ है। बाकी सारे पराठे हम सेम तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे सारे पराठे बनकर तैयार हैं और आप देख सकते हैं कितनी सारी स्टफिंग इसमें भरी हुई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठे बनकर तैयार हुए हैं। सेम तरीके से एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे ट्राई करने के बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये थी आपके मेरी आज की ये रेसिपी। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।